नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा। आइए एक नजर डालते हैं देश और विदेश के बाजार पर। न्यूज प्लस 21 के एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल में। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर आई बड़ी खबर। बताया एनर्जी को लेकर नया प्लान। यूनिलीवर ने किया अपने बिजनेस में बड़े बदलाव का ऐलान। 1500 से भी ज्यादा कर्मचारियों की होगी छटनी। RBI ने कहा गरीबों के हाथों में अधिक पैसा देने की जरूरत। दुकान सैलून वालों के लिए ECLGS की घोषणा करे सरकार। राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयर मई के अंत या जून की शुरुआत में भरेगी उड़ान। देश के कई शहरों के लिए शुरू होंगी सेवाएं। शहद में मिलावट से निपटने के लिए छोटे मधुमक्खी पालकों को संगठित करने में मदद करेगा NBHM। उपभोक्ता खपत में गिरावट के मद्देनजर बजट में आय समर्थन उपायों पर ध्यान देने की जरूरत। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में रत्न एवं आभूषण निर्यात 71% बढ़कर 28.9 अरब डॉलर पर। बीमा कंपनियों ने 80C के तहत निवेश सीमा बढ़ाने। हेल्थ प्रोडक्ट्स पर GST कम करने की मांग की। LG पेश करेगी सेल्फ ड्राइविंग कंसेप्ट कार। अडानी विल्मर ने IPO से पहले एंकर निवेशकों से 940 करोड़ रुपए जुटाए। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाए। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।